तो दोस्तों देख रहे हैं कितना सॉफ्ट सा हमारा गलौटी कबाब तैयार है। आपको देख रहे हैं सेम ऐसा ही सॉफ्ट और मजेदार जबरदस्त गलौटी कबाब तैयार करना है, देख रहे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे लखनऊ स्टाइल मटन गलौटी कबाब। मटन गलौटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिया है 4 kg मटन बोनलेस, और इसे मैंने क्यूब्स करके अच्छा से कटिंग कर लिया है, और साथ में लिया है मटन फैट। ये देख रहे हैं मटन फैट है, 1/2 kg मटन पे 200 ग्राम करके मैंने फैट लिया है, मतलब 4 kg मटन 800 ग्राम फैट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मटन को अच्छा से कपड़ा लेना है, पानी रिमूव करना है, मतलब आपको अच्छा से इसे वाटर रिमूव करना है। अब हम इस मटन बोनलेस और इस मटन फैट को अच्छा से मिक्स करके मशीन में 4 से 5 बार नाइसली कीमा कर लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस मीट को लेके बुचरी पे जाना है, कीमा मशीन में आराम से मिनिमम 5 बार तक आपको इसे पूरा एकदम नाइस करके कीमा करना है। देख रहे मैंने कैसा मशीन में कीमा कर रहा हूं, आपको सेम 5 बार इसे कीमा करना है। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने कैसा नाइस करके 5 बार मटन मीन्स को कीमा कर लिया है। आप चलो हमारा मटन कीमा तैयार है, अब हम इसमें लगाते हैं लखनऊ स्टाइल पे मसाला। तो दोस्तों सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको क्या करना है, पूरा एकदम फाइन करके पूरा नाइस जिंजर गार्लिक पेस्ट मटन का क्वांटिटी का हिसाब से आपको ऐड करना है। और नेक्स्ट ऐड करेंगे कच्चा पपीता पेस्ट। आपको मटन का क्वांटिटी का हिसाब से ऐड करना है कच्चा पपीता पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्राउन ऑनियन और फ्राई कैसुनेट, ये दोनों को साथ में मिला के मटन का क्वांटिटी का हिसाब से स्मूथ पेस्ट ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक, आपको स्वादिष्ट अनुसार इसमें ऐड करना है नमक। नेक्स्ट ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून और कलर के लिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे स्पाइसी के लिए येलो चिल्ली पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून गलौटी मसाला। आपको ये मसाला मार्केट में इजी से मिल जाएगा। अगर आप लोग ये मसाला मार्केट में नहीं खरीदेंगे तो मिनिमम 35 वैरायटी का मसाला आपको पाउडर करना है और इसमें ऐड करना है, जैसे कि इलायची, लौंग, पट्टा, बेलीव्स, रोज पेटल, स्टोन फ्लावर, स्टारनिश, ब्लैक कार्डमम, कबाब चीनी, शाही जीरा। आपको ये सारे वेराइटीज, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, साबुत वाला लेना है, तो ये मिनिमम आपको 35 वेराइटीज का मसाला को पाउडर करके इस पे ऐड करना है। तो यहाँ पर देख रहे मैंने ऑलरेडी पाउडर करके रखा है। तो देख रहे मैंने गलौटी मसाला ऐड कर लिया है, आप बाकी है गलौटी कबाब का फ्लेवर लाने का। उसका भी एक मसाला होता है, जैसे कि चंदन का लकड़ी, आपको रोज पेटेल, जावित्री, ये सारे वेराइटीज ऑफ पोटली मसाला जैसा बनाना है। ये देख रहे मैंने बना के रखा है, आपको ये ऐड करना है 1 स्पून। और नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। तो दोस्तों केवड़ा वाटर का बाद ऐड कर लेंगे 1 स्पून जैसा रोज वाटर। साथ में ऐड कर लेंगे, ज्यादा ना ऐड करें, 2 बूंद एसेंस है, ज्यादा ऐड ना करें, ओनली 2 बूंद एसेंस। ऐड करेंगे थोड़ा सा सेफ्रॉन। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्राइड ग्राम दाल पाउडर। आपको क्या करना है, इसे अच्छा से स्टेनर में स्टेन करके ऐड करना है, और आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रखना है मिनिमम 10 से 15 मिनट तक आपको इस मिक्सर को अच्छा से मसाज करना है।
तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने 20 मिनट पकड़ के इस मटन को अच्छा से मसाज करके सेट कर लिया है। तो आपका जब मटन मसाज होने के बाद सेट हो जाए, नेक्स्ट आपको ऐड करना है देसी घी। देख रहे हैं, मैंने ऐड कर रहा हूँ 750 ग्राम देसी घी। और इस घी ऐड करने के बाद अब हम इसे और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छा से मसाज कर लेंगे। देख रहे हैं, मैंने घी ऐड करके कैसा मसाज कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही अच्छा से मिक्स करके मसाज करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने मटन को मसाज करके तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसका बीच में ऐसा थोड़ा जगह बनाना है। हम लगाएंगे धुआं का स्मोक और ऐड करेंगे 1 बॉल। तो दोस्तों देख रहे हैं, अब हम इस बॉल में ऐड कर लेंगे जलता हुआ कोयला और इसका ऊपर ऐड करना है 2-4 क्लोव्स लौंग। और नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। देख रहे हैं आपको स्मोक आ रहा है, आप लेना है लीड और इसे दम देना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर गलौटी कबाब दम पे तैयार है। देख रहे हैं ना, साइड में कैसा पसीना निकल के आया है, आपको सेम ऐसा ही दम लगाना है। तो देख रहे हैं, स्मोक का दम देने के बाद है आपको इसे एक बार अच्छा से मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं, मैंने लिया है पेपर, आपको पेपर में रखना है रखिए, नहीं तो कंटेनर में स्टोरेज करना है करिए। तो अब हम इस पेपर में डाल के इसे डीप फ्रीजर में स्टोरेज कर लेते हैं, थोड़ा आइस लाइटली हल्का चिल्ली जैसा होने के बाद है तावा में ग्रिल करेंगे। तो आपको धीरे धीरे आप इसमें स्टोरेज कर लेंगे। तो दोस्तों काफी समय बीत चुका है, चलो गलौटी कबाब बनाते हैं। तो देख रहे हैं, यहाँ पर तावा रेडी है, आपको मीडियम फ्लेम पे तावा रखना है और तावा गर्म हो जाए तो तावा में ऐड करना है घी। और अब हमें धीरे धीरे देख रहे गलौटी कबाब लेना है। देख रहे आपको हाथ में सेम ऐसा लेना है, चाहे तो हाथ को थोड़ा घी से भिगो लीजिए, नहीं तो पानी से भिगो लीजिए। और आपको सेम ऐसा शेप बनाना है और तावा में ऐड करना है। तो देख रहे मैंने कैसा बना रहा हूं, आपको सेम धीरे धीरे ऐसा लेना है और यहां पर तावा में ऐड करना है। आपका गलौटी कबाब हाफ कुक हो जाए तो आपको धीरे धीरे इसे अच्छा से पलटी मार के फुल डाउन ग्रिल कर लेना है। तो देख रहे मैंने कैसा ग्रिल कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही ग्रिल करना है, ज्यादा काला ना करे और बहुत ही सॉफ्ट कबाब है, केयरफुल से आप इसको ग्रिल करें। तो चलो ग्रिल डन, अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर लेंगे। तो देख रहे यहाँ पर मैंने कैसा सलाद चटनी और वर्की पराठा का साथ अच्छा से डिजाइन करके प्लेट को रखा है। आपको धीरे धीरे कबाब लेना है, इस वर्की पराठा का ऊपर अच्छा से अरेंज कर लेना। अब आपको आपका मनपसंद कोई भी एक गार्निश कर लेना है। तो देख रहे मैंने कैसे स्क्वीजर से ऊपर से योकर्ट डिप ऐड कर रहा हूँ और इसका ऊपर से ऐड कर लेंगे माइक्रो ग्रीन्स। देख रहे मैंने कैसा गार्निश कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही आलाकार्ट स्टाइल पे प्रेजेंटेशन कर लेना है। तो देख रहे मटन गलौटी कबाब, वो भी लखनऊ स्टाइल रेस्टोरेंट तरीका से रेडी है। तो दोस्तों देख रहे कितना सॉफ्ट सा हमारा गलौटी कबाब तैयार है। आपको देख रहे सेम ऐसा ही सॉफ्ट और मजेदार जबरदस्त गलौटी कबाब तैयार करना है, देख रहे ना। देख रहे ना, कबाब नहीं है, पूरा माउथ में चला गया, ऊपर से लाइट क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी। आपको सेम रेसिपी फॉलो करके ऐसा ही लखनऊ स्टाइल गलौटी कबाब बनाना है। लेकिन रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।